बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल के तहत कमल खिलाना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी को बार बार नुकसान और बार बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रोक लगा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बन रही थी, लेकिन इसी बीच भाजपा की ओर से जहां प्रमोट किए जाने वाले नेताओं में कमी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने नया विकल्प भी खोज लिया है। बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 17 सालों से है, अगर 9 महीने का कार्यकाल जीतन राम मांझी का छोड़ दिया जाए तो जीतन राम मांझी के कार्यकाल को लेकर भी जीतन राम मांझी अक्सर कहा करते हैं कि हमने जो कार्य 9 महीने में किया सभी लोगों ने उसे अच्छा कहा। अब एक बार फिर से मांझी की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से उस लिस्ट में शामिल है जिसका भाजपा को लंबे समय से इंतजार है। अब एक बार फिर से मांझी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश के बाद अब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बतौर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 9 महीने कार्य किया और उसके बाद अब खबर यह है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में जीतन राम मांझी को कमान सौंप सकते हैं। अक्सर ये बात चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार की सियासत कौन संभालेगा, तो वैसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट किया है कि बिहार की सियासत अगर उन्हें मिले तो वो संभाल सकते हैं, और नीतीश कुमार ने उनके लिए जो किया है वो सोच भी नहीं सकते थे। नीतीश कुमार ने कैसे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार ने कैसे उन्हें बिहार की बागडोर दी, और जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों दलितों के लिए 9 महीने तक काम किया वो काबिले तारीफ था। अब ऐसी परिस्थिति में एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी का ये बयान और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी जीतन राम मांझी का ये बयान स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं मांझी के मन में अब भी उस बात की कसक है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका और लंबा होना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्र के तकाजा को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जल्द ही वो बिहार की सक्रिय सियासत से संन्यास ले सकते हैं या आने वाले दिनों में बिहार की सियासत छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जीतन राम मांझी को ऑफर था कि वो गवर्नर बन सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से अगर नीतीश छोड़ेंगे तो वो कौन से लोग होंगे जो इस पद को संभालेंगे, तो जीतन राम मांझी का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।